हेलो, एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं ट्विंस किचन में आप लोगों का। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लाए हैं आपके लिए एकदम नई सी रेसिपी जो घर के ही इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आलू गोभी मिक्स पराठे की रेसिपी जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता ही है। अब तक आपने गोभी का पराठा खाया होगा, आलू का पराठा खाया होगा, तो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं आलू गोभी मिक्स पराठा। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आलू, गोभी, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, अदरक, रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 पिंच हींग और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। फ्रेंड्स, सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आलू गोभी पराठा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने गोभी को 1 घंटा पहले वॉश करके और साफ करके अच्छे से रख दिया था और अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखिए। और फ्रेंड्स अब मैं इसे कद्दूकस करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारी गोभी को कद्दूकस करके इसे कॉटन के कपड़े में रख के अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि आज जो हम स्टफिंग बनाएंगे वो बिना पकाए ही स्टफ करेंगे, तो इसलिए मैंने गोभी का मॉइस्चर खत्म करने के लिए इसे अच्छे से निचोड़ लिया था, इसका सारा पानी निकाल लिया था बाहर। इसके अलावा मैंने आलूओं को उबाल के ठंडा करके छील लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 2 बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स 3 हरी मिर्च लिए हैं, ये भी मैं इसी में ऐड करूंगी। इसके अलावा हरा धनिया लिया है, ये भी मैं इसी में ऐड करूंगी। ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया था जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी मैं इसी में ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स अब हम इसमें सारे अपने मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला लिया है मैंने, ये मैं ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और साबुत धनिया लिया है मैंने जिसे मैंने क्रश कर दिया है। 2 पिंच मैंने हींग ली है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्ची मसाले सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने सारे मसालों को आलू और गोभी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये स्टफिंग कितनी अच्छी तैयार हुई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स अच्छे आलू के पराठे बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी स्टफिंग में बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। और फ्रेंड्स अब हम इसकी ऐसे बॉल बना लेंगे स्टफिंग के लिए। आप जितनी भी बड़ी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पराठा बनाने के लिए मैंने ये डो लगा के रखा हुआ है और फ्रेंड्स मैंने इसे 10 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के छोड़ दिया था। और फ्रेंड्स ये वही रेगुलर डो है जिसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं, बस इसमें मैंने नमक डाला हुआ है। और फ्रेंड्स पराठे के लिए कोई स्पेशल डो लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स अब मैंने हाथ पे रिफाइंड ऑयल लगा लिया है, इससे मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी और फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये आटा लेंगे हम हाथ पे और इससे इस तरह से गोल करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने ये सूखा आटा लिया है, इसकी हेल्प से हम पराठे बनाएंगे। सबसे पहले इसे सूखे आटे में डिप करेंगे और ये देखिए ये इतना बड़ा मैंने बेल लिया है। और अब मैं जो स्टफिंग ली थी वो इसमें ऐड करूंगी और इसको अच्छे से पैक करेंगे हम। आज जो हम पराठे बनाएंगे इसमें बीच में से ऐसा नहीं होगा कि बीच में से आटा आएगा, स्टफिंग बराबर भरी हुई दिखाई देगी। और ये इसको इस तरह से फ्लैट करके ये आटा इसी में ही दबा दीजिएगा
और फ्रेंड्स इसको इस तरफ से प्रेशर देके हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देखिए। और अब इसमें सूखा आटा लगा के हम इसे बेलेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा आटा है सब हटा लेंगे। और फ्रेंड्स पराठा एकदम हल्के हाथों से बेलना है, प्रेशर इस साइड देना है, बीच में नहीं देना है। जितना भी बड़ा आपको बनाना है तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा पराठा बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बेल लेंगे। तो चलिए पराठों को सेकना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पे तवा रखा हुआ है और तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ऑयल लेके तवे पे ग्रीस करेंगे। मैंने नॉनस्टिक का तवा लिया है, आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, ये आराम से बन जाएगा। और अब इस पे पराठे को डाल के पराठे को दोनों साइड से हम सेकेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसे सेकने के लिए रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करा है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पराठा एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड मोड़ देंगे और अब हम इस पे ऑयल लगाएंगे। हमें दोनों साइड अच्छे से ऑयल लगाना है और पराठे को अच्छे से सेकना है। अब इसे दूसरी साइड पलट के हम दूसरी साइड पे ऑयल लगा लेंगे। पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे। अगर आपको क्रिस्पी पराठे पसंद है तो आप इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा सिक कर तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स देखिए इसमें स्टफिंग बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल अच्छे से भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि बीच में आटा है और स्टफिंग ठीक से भरा नहीं हुआ, स्टफिंग इसमें बराबर से भरी हुई है। और फ्रेंड्स देखिए पराठा अच्छे से फूल भी गया है। तो फ्रेंड्स अब हम अपने पराठों को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारे आलू और गोभी मिक्स पराठा बनकर एकदम तैयार है। और फ्रेंड्स आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मैंने पराठों को बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है, जिसकी रेसिपी हम बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दें। और फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।